हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली, मोटिवेशन स्पीकर, ऑथर एंड रियल एस्टेट मेंटर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो उन दोस्तों के लिए है जो किसी ना किसी वजह से अपनी ज़िंदगी में हार्डशिप को फेस कर रहे हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो दोस्तों, वो सोचते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम ठीक होंगी तब जाके हम आगे कोई अच्छा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। दोस्तों, ये कभी भी नहीं होता। जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम चल रही है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप ये समझो कि हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बाद हम आगे चलेंगे, अब उसके बाद तरक्की करेंगे, तो ये बिल्कुल आप गलतफहमी में हो। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। पुराने ज़माने में एक राजा कहीं जा रहा था, शिकार पे जा रहा था, और रास्ते में जो पुराने कुएं होते थे उनमें मतलब पानी चल रहा था, तो घोड़े को प्यास लगी। घोड़े को प्यास लगने के बाद राजा घोड़े को कुएं पे लेके गया। कुएं पे जब वो टिंडों में से पानी निकल रहा था, टिक 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 की आवाज़ आती थी, और घोड़ा पानी और टिक टिक की आवाज़ सुन के डरता था और पानी नहीं पी रहा था। तो राजा ने किसान को हुक्म दिया कि ये टिक टिक बंद करो ताकि मेरा घोड़ा पानी पी ले। जैसे उसने टिक टिक बंद की, वो पानी आना भी बंद हो गया। तो किसान ने राजा को समझाया कि ये राजा जी, ये टिक टिक भी ऐसी होगी और घोड़े को पानी भी इसी तरीके से पीना पड़ेगा। यदि आप टिक टिक बंद कर दोगे, इसका पानी का निकलना ही बंद हो गया, तो घोड़ा पानी नहीं पी सकेगा। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद जब घोड़े से प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने पानी पिया और आगे अपने राजा अपने सफ़र पे निकला। सो दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आपने अपनी टेंशन नहीं लेनी, जितनी मर्जी बड़ी टेंशन हो। मैं तो अपने दिमाग को चार हिस्सों में बांट के रखता हूँ। टेंशन वाला दिन जिस दिन खोलना है टेंशन वाला खोल लो, जिस दिन अपना आगे बढ़ने वाला खोलना है आगे बढ़ने वाला खोल लो, जिस दिन थिंकिंग आपका थिंकिंग प्रोसेस आपने शुरू करना है उस दिन वो कर लो। तो दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा अच्छा टाइम आएगा तब जाके काम करेंगे, तो उनके लिए ये है कि रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ। यदि वो ये सोचते कि मैं वापस अयोध्या में जाके 14 साल का वनवास खत्म होने के बाद अयोध्या में जाके फिर जाके रावण के साथ में लड़ाई करूंगा, तो कभी भी नहीं हो सकता था। कृष्ण जी को जो जन्म है, कृष्ण जी का जन्म ही जेल में हुआ, और उसके बाद जो गुरु नानक देव जी हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उन्होंने मतलब अपने जीवन में कितना सफ़र तय किया, लोगों को उपदेश दिया। और भक्त कबीर जी को चोरी का इल्ज़ाम लगा, गुरु गोबिंद सिंह जी के सारा परिवार मतलब उनको वारना पड़ा। मतलब ये जितना भी बड़ा आदमी होगा, जितना बड़ा सोचेगा, उतनी उस तरीके से उसको अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। यदि आप ये सोचते हो कि प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पा रहे हम, तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखो, रिस्क लेना सीखो, रिस्क को मैनेज करना सीखो। रिस्क मैनेज कर लोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होने के चांसेस हैं, तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जिस दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, लाइक कर लेना, और आपका कोई सवाल हो या नए किस्म की वीडियो बनवानी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का, तो देखते हैं आप कितना लाइक देते हो। थैंक यू वेरी मच।